गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं हूँ पूजा राव और आज ना फिर से आप लोग के लिए एक फैमिली का अपडेट ले गई हूँ। कंट्रोवर्सी फैमिली यानी सचिन राज परिवार के बारे में मैं बता रही हूँ गाइस। और आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस फैमिली में ना रियल में कंट्रोवर्सी कौन करता है और कंट्रोवर्सी की शुरुआत आखिर करता कौन है गाइस। तो आज इसी बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी जो भी कंट्रोवर्सी कर रही हैं आंटी जी कर रही हैं, उनकी सासू माँ कर रही हैं, और क्या वो सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं, या मनीषा कर रही है या वो रंजना कर रही है कंट्रोवर्सी, तो आप पूरा वीडियो देखिए और आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आप किसके सपोर्ट में हो। और मैं अभी आप लोग के साथ में बहुत कुछ ना वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। और 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि गाइस मैं अभी वेस्ट बंगाल, मैं बिहार से हूँ आपको पता ही है, लेकिन मेरी पोस्टिंग अभी वेस्ट बंगाल में है और वेस्ट बंगाल का जो कंडीशन और जो चीज़ यहाँ पे हुआ है ना उस चीज़ को देख के मैं 2 दिन से मतलब थोड़ा सा डिप्रेस थी क्योंकि हम हाउस वाइफ भी हैं, साथ में ऑफिस वगैरह के लिए घर से बाहर निकलते हैं ऑल टाइम, तो जो माहौल और दृश्य देखा है ना तो उससे मेरी रूह कांप गई है। तो इसलिए मैं 2 दिन से आप लोगों के साथ अपडेट नहीं हो पा रही थी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं आंटी जी के बारे में कि आंटी जी ना कल या परसों आप लोगों ने देखा होगा जब सचिन मनीषा अपना रूम क्लीन कर रहे थे तो उनके घर में ना बहुत सारा चूहा के बच्चे निकले थे, गंदगी फैली हुई थी। और प्रिंस जो है अभी क्या हो रहा है ना वीडियो में थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव दिखा रहा है, चाहे इसलिए कि उन्हें दिखा रहा है कि उसके वीडियो में व्यू नहीं आ रहा है। तो बहुत लोग गाइस बोलते हैं ना कि सचिन राज जो और प्रिंस अभी खुद से पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत लोग आप लोग मेरे वीडियो के नीचे जाकर कमेंट्स कीजिएगा, सब लोग कहते हैं क्या कि सचिन और मनीषा ने उनको रास्ता दिखाया है। सचिन पहले अपनी मम्मी को छोड़ के गया था घर छोड़कर, मनीषा घर पे टिकती ही नहीं है, मनीषा ऐसी है मनीषा वैसी है। तो एक बात बताइए, क्या अगर बड़ा बेटा गलत करेगा तो क्या माँ बाप चाहेंगे कि छोटा बच्चा भी गलत करे? और सचिन ने क्या किया नहीं किया वो पास्ट की बात को लेकर अभी चलने से नहीं होगा। और अभी आप देख रहे हैं कि सचिन जो राज जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छा कर रहा है, अपने फैमिली के लिए जितना कर रहा है अच्छा कर रहा है और पॉजिटिव वे में कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। देखिए हर जगह जाकर ना निगेटिव सीखने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग ये भी सीखिए, सारे लोग ना उनके पीछे पड़ गए उस फैमिली के पीछे कि उनका भी बुराई निकालने में। आप ये भी सोचिए कि एक फैमिली का यहाँ से जाकर करोड़ों रुपया, उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया है कि उनका टर्न ओवर मतलब साल में वो करोड़ों रुपया कमाते, तो ये चीज़ आप सीखिए, मोटिवेट हुई है कि कोई करोड़ रुपया कैसे कमा रहा है साल का, ये सीखिए। ये मत सीखिए कि कैसे कमाया, किया किया नहीं किया, तो उस बात तक आप मत जाइए। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पे हम लोग कंट्रोवर्सी की बात करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सी होने वाली है और ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत कौन करने वाला है, इसमें पूरा डिटेल आप लोग बताने वाली हूँ। उसके पहले एक चीज़ बता दूँ, अभी आप प्रिंस का वीडियो जितना भी देखिएगा ना तो वो अपनी फैमिली के लिए भले टाइटल थोड़ा सा निगेटिव डालता है लेकिन उस फैमिली में मनीषा के लिए भी वो अपना मतलब दिखावे के ही सही, लेकिन वो अभी ना पॉजिटिव बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इंसान सुधरने की कोशिश करता है ना तो उसको सुधरने देना चाहिए, चाहे व्यू के लिए ही सही लेकिन उनके फैमिली में अगर पॉजिटिविटी आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से गाइस बात करते हैं, आप लोग आ जाते हैं हम लोही चनाचूर बिस्कुट पे कि आंटी ने बोला है कि बहुएं जो हैं अभी मैं नहीं हूँ तो अच्छे से क्यों नहीं रह रही हैं, उनको तो और अच्छा से रहना चाहिए। और वो लोग ना चनाचूर बिस्कुट छुपाने का नहीं बोला है, अपने अपने रूम में रखती। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, इतना बड़ा किचन है तो वहाँ बिस्कुट और चनाचूर क्यों नहीं रखा जाता है कि अपने अपने रूम में बिस्कुट तो चनाचूर तो चिप्स कुरकुरे ये सब रखा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है? प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जो भी व्यूवर्स उन लोगों को दिल से देखते हैं आप कमेंट्स करके बताइएगा। फिर से एक बात पर आंटी जी ने कहा था कि मेरी जो भी दोनों बहुओं में से एक, तो यहाँ पे आंटी जी ने उनका ये लगा दिया, दूसरी उन्होंने बोला था कि मैं घर पे नहीं हूँ तो कोई डांटने वाला नहीं है तो बहुएं मेरी खुश है तो दोनों को मिल के रहना चाहिए, क्योंकि मैं रहती हूँ तो उनको कुछ कुछ डांटते रहती हूँ, तो मैं ही इस फैमिली में प्रॉब्लम थी तो मैं बाहर आ गई हूँ, तो इन दोनों बहुओं को अभी खुश रहना चाहिए। इसमें आप लोगों को क्या लगता है? और गाइस बारिश आ गया बहुत, तो आंटी की बातों से देखिए आंटी कहीं ना कहीं अपनी ही बहुओं को ना मतलब कुछ हद तक मुझे लगता है टारगेट कर देती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इसके फिर वो लोग साथ में या सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे तो फिर सारी बहुएं दोनों बहुएं खराब हो जाएंगी। तभी दोनों बहुओं में ना ऐसे में भी थक इसलिए गई हूँ क्योंकि बहुत तेज बारिश आ गई है, देख सकते हैं, तो मैं दौड़ के गई थी छत पे, कपड़े डाली थी लाने के लिए गई थी। तो इतना ज़्यादा इस फैमिली में कंट्रोवर्सी हो जाता है ना गाइस कि आपसे क्या शेयर किया जाए। और रहा बात बेटी और बहू को लेके बोला गया था तो यहाँ पे मैं आंटी के सपोर्ट में एक बात बोलना चाहूँगी, ऐसे भी मैं आंटी के सपोर्ट में ही बोलती हूँ लेकिन आज एक और चीज़ बोलूँगी। जो लोग बोल रहे हैं ना कि पूजा ने अपनी सासू माँ को नहीं बुलाया सिर्फ माँ को बुला के, तो बहुत बार ऐसा होता है गाइस, चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी माँ तो उनको तो वहाँ घूमने जाना ही था तो सोचे कि पूजा का समय चली जाती, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और एक बेटी का माँ के ऊपर भी हक होता है, आप लोग पॉजिटिव वे में सोचिए, एक मम्मी का ना
एक बेटी का अपने माँ के ऊपर भी हक होता है, वो अपनी माँ को भी बुला सकती है, क्या जरूरी नहीं है, लेकिन वो अपनी सासू माँ को बुलाना चाहिए था। और क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, तो उनका रीजन है, तो इसमें आपको ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। और आप लोगों को क्या लगता है, प्रिंस क्या सच में सुधरने की कोशिश कर रहा है, और सचिन राज के लक्ष्य कदम पे चल रहा है, और अभी जो जा रहा है, देखे आप लोगों ने, उसने एक बात बोला कि इस बार जाके मैं अपनी दीदी के पैरों पे ही गिर जाऊंगा, तो उसने कहीं देखिए वो हो सकता है पॉजिटिव वे में बोला है, क्योंकि पिछले बार परिणाम को लेकर इतना बड़ा इशू बना था, और बना भी था प्रिंस की वजह से, क्योंकि उसने अपनी बीवी को गले नहीं लगाने वाला बात उठाया था, इसी बात पर वीडियो बनी थी। तो इस बार क्या होने वाला है आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हम बहू बन के कैसा नहीं है कहे को, आज हमारा दिमाग थोड़ा ना, हमारा वेस्ट बंगाल में जो केस हुआ है ना उसको लेके थोड़ा डिस्टर्ब था, क्या बताएंगे ऐसा आप लोगों को, हम थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। और ये सचिन राज परिवार की कंट्रोवर्सी, अभी जब मैं बात वीडियो लाऊंगी, डार्क लिपस्टिक, चटक सिंगार, सफ़ेद साड़ी पहनने की बात हो रही है, तो कोई किसी को, ये यूट्यूब हम बोलते हैं ना गाइस आप लोग को, अब यूट्यूब यूट्यूब नहीं रह गया है, इका जने का हो गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं।